हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना ने जो अप्रूव किया है नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग के लिए, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। इस लॉ के अंतर्गत अब कहा जा रहा है कि चाइना को ज्यादा कंट्रोल मिल गया है हांगकांग के ऊपर। इस लॉ को अप्रूवल के साथ ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं हांगकांग में और कई देशों ने इसकी निंदा भी की है। तो पहले हम लोग देखते हैं इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चाइना ने ये जो न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ है हांगकांग के लिए, इसको अप्रूव किया था 30 जून 2020 को। इस लॉ का नाम है द लॉ फॉर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जिसको यूनानिमसली पास किया था चाइनीज पार्लियामेंट ने। और अब ये पार्ट हो गया है हांगकांग के बेसिक लॉ का। इस लॉ से अब चाइना के जो कंट्रोल है वो हांगकांग के ऊपर बढ़ गया, एक्सपांड हो गया है। इसको क्रिटिसाइज किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, इसको कहा है ड्रेकोनियन लॉ। सिमिलरली यूनाइटेड किंगडम ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि ये ग्रेव स्टेप है। अब हम देखते हैं इस न्यू लॉ के फीचर्स क्या हैं। ये जो न्यू लॉ है, अब ये जो प्रोटेस्टर्स को हार्श पनिशमेंट्स दे सकता है, इसमें कुछ ऑफेंसेस ऐड कर दिए गए हैं, जैसे ससेशन, सबवर्जन, टेररिस्ट एक्टिविटीज, कल्यूजन विथ फॉरेन कंट्री और विथ एक्सटर्नल एलिमेंट्स टू एंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, इन ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है और फाइनली इसका एक कंक्लूजन ये निकलता है कि हार्श पनिशमेंट्स अब दी जाएंगी। इस तरह से इनको डिफाइन किया गया है। ये जो चारों ऑफेंसेस जिनको ऐड किया गया है, इनके मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, और अगर इससे छोटा अगर कोई इनका ऑफेंस होगा तो उसके लिए लेसर पेनल्टीज भी अवेलेबल हैं। ऑफिस फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, जो ये न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, ये डिस्टिंक्शन को ब्लर कर रहा है, यानी कम कर रहा है। किस डिस्टिंक्शन को? जो गवर्निंग सिस्टम था सेमी ऑटोनोमस हांगकांग का और चाइना जो मेनलैंड है, उनके गवर्नेंस में थोड़ा सा डिफरेंस था। जब ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को हैंडओवर किया था 1997 में, तो दोनों के गवर्नेंस में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो अब इस लॉ से क्या है, वो डिफरेंस कम हो जाएगा। अब क्या होगा कि चाइना जो है अपना प्रेजेंस बढ़ा सकता है हांगकांग में। वो एक न्यू डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करेगा जिसका नाम होगा ऑफिस फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। अब इसका एम क्या है फॉर्म करने का हांगकांग में? अगर चाइना अप्रूवल देता है तो ये जो ऑफिस है, ये जो हांगकांग का कोई भी इंडिपेंडेंट लॉ है उसको, उसका जुरिसडिक्शन को भी टेक ओवर कर सकता है, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो केस है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके अंदर किसी फॉरेन कंट्री या एक्सटर्नल एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कोई ऐसी एक सीरियस सिचुएशन है जिसकी वजह से जो लोकल लॉ है, जो सिक्योरिटी लॉ है, उसका एप्लीकेशन डिफिकल्ट हो रहा है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन ऑकर हो रही है जिसकी वजह से एक नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो डायरेक्टली ये ऑफिस उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को टेक ओवर कर सकता है। पुलिस की पावर्स हम देखते हैं किस तरह से बढ़ा दी गई है। पुलिस को अब स्वीपिंग पावर्स दे दी गई हैं। वो ऑफेंसेस को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो अब किसी भी प्रीमाइस को सर्च कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी को, एयरक्राफ्ट को, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स को सरेंडर करने के लिए कह सकते हैं, वो किसी भी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए उनको अप्रूवल लेना होगा चीफ एग्जीक्यूटिव का। वो किसी के फोन्स को भी टैप कर सकते हैं। उनको वो सारी पावर्स दे दी गई हैं जिन चीज़ों के लिए पहले उनको कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ता था, अब उनको कोर्ट का अप्रूवल लेना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली एक नई कमेटी भी एस्टेब्लिश की गई है जिसका नाम है कमेटी फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। इसका जो चीफ होगा वो हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो इसके हेड हेड करेंगे। और मेन बात यह है कि अब ये जुडिशियल स्क्रूटिनी से इमेन रहेगा, ये जो कमेटी है इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं होगी। इसका इस कमेटी में एक चाइना से अपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होगा, जो कि इस कमेटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगा और दूसरे टास्क को भी अंडरटेक करेगा। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी का डायलमा है वो अरोज क्यों हुआ है, हम देखते हैं। हांगकांग जो है वो पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था और इसको हैंडओवर किया गया था चाइना को 1997 में एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो हांगकांग को गवर्न किया जाता है उसके एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको बेसिक लॉ भी कहा जाता है। और प्रिंसिपल ये था कि वन कंट्री और टू सिस्टम्स, यानी हांगकांग कंट्री का चाइना का ही पार्ट होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होंगे गवर्निंग के वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। जैसे कि वहाँ हांगकांग में लिबरल पॉलिसीज हैं, वहाँ का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अलग है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, और उनके जो इंडिविजुअल
फ्रीडम्स हैं वो 1997 से 50 साल आगे तक चलेंगे, जो जिसमें कि छेड़छाड़ की जा रही है इस सिक्योरिटी लॉ द्वारा। और जो आर्टिकल 23 है हांगकांग के बेसिक लॉ का, उसके अकॉर्डिंगली हांगकांग अपना जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है उसको खुद ही एनैक्ट कर सकता है। लेकिन 2003 में जब ट्राई किया गया था एक सिक्योरिटी लॉ एनैक्ट करने के लिए, तो मासिव प्रोटेस्ट अरेज हो गए थे उस साल में। तो गवर्नमेंट ने जो ये लॉ एनैक्ट करने से दूर ही रहा था, नेशनल सिक्योरिटी लॉ को एनैक्ट करने से दूरी बनाए रखी थी। और अगर कोई नया तरीका है जिससे कि लॉ एनैक्ट किया जा सकता है, वो तरीका है कि किसी भी लॉ को एनेक्स 3 में इंक्लूड कर दिया जाए हांगकांग के बेसिक लॉ में। ये जो एनेक्स 3 है वहाँ पे ऐसे लेजिस्लेशंस को इन्वॉल्व किया जा सकता है जहाँ पे कि डिफेंस से रिलेटेड या फिर फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि हांगकांग की ऑटोनॉमी के बाहर के मैटर्स हैं, उससे जो डिफरेंट मैटर्स हैं उनको एनेक्स 3 में ऐड किया जा सकता है। तो इस अगर किसी भी लॉ को अगर एनेक्स 3 में ऐड किया जाता है तो वो सीधा एनफोर्स हो जाता है सिटी में, और प्रोमुलगेशन यानी उसको एनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली एनफोर्स हो जाता है और वो डायरेक्टली इफेक्ट में आ जाता है। और चाइना ने इसी मेथड के थ्रू इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ को एनेक्ट किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम आएंगे आपके सामने किसी न्यू वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।